सुबह खाली पेट काली मिर्च खाने के फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी सी जड़ी बूटियां हैं जो सेहत को बनाए रखती हैं, भयंकर से भयंकर बीमारियों से छुटकारा दिलाती हैं। हमारे किचन में जितने प्रकार के हम मसाला इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, इन्हें आयुर्वेद में औषधि कहा गया है। वेल, आज मैं इन्हीं औषधियों में से एक, मसालों का राजा कहे जाने वाली काली मिर्च के कुछ औषधीय गुणों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। काली मिर्च, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं, आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता में काली मिर्च के बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो आइए जानते हैं काली मिर्च के फायदों के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में काली मिर्च का सेवन हर किसी को 3 से 4 दाने के बराबर जरूर करना चाहिए। अभी ठंड का मौसम आ गया है, अगर काली मिर्च इस ठंड के मौसम में खाते हैं तो शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहोगे। और खासकर काली मिर्च को हमेशा गुनगुने पानी के साथ खाना चाहिए, सादा या फिर ठंडा पानी के साथ बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इससे दोस्तों कफ, कोल्ड, वायरल फीवर हमें कभी होगा ही नहीं, क्योंकि काली मिर्च इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये वात और कफ को ख़त्म करती है, यानी शरीर से कफ को और वायु को निकालती है। ये भूख को बढ़ाती है, खाने को पचाती है, लीवर को हेल्दी बनाती है, और पेट दर्द और पेट में जो कीड़े हो जाते हैं बच्चों को, उसे ख़त्म करने का काम करती है। इसके अलावा काली मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है, साथ ही इसमें और भी कई सारे से पोषक तत्व होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं, अगर बिगड़ जाए तो हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। तो काली मिर्च कफ और वात को संतुलित करेगी। इसके अलावा जिन्हें बहुत ज़्यादा पित्त की समस्या होती है, शरीर में गर्माहट होती है, तो उन लोगों को काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काली मिर्च की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पित्त वाले अगर इसे खाएंगे तो उनके पित्त को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, ट्रिगर करेगा। तो काली मिर्च का सेवन कैसे करना है वात, पित्त, कफ में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अभी खलबट्टे में काली मिर्च डाल लिया है, इसे आप कूट लीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि बाज़ार में मिलने वाले पाउडर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर पाउडर होते हैं उसमें से औषधीय गुण निकाल लिए होते हैं। उसके जो ऑयल होते हैं, काली मिर्च के अंदर ऑयल कंटेंट होता है, ये ऑयल कंटेंट सूख जाते हैं, है ना, तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप मसालों को इस्तेमाल करें, किसी भी मसालों को इस्तेमाल करें, तो घर पर ही पीस कर, घर पर ही कूट कर इस्तेमाल करें। हमारे घर में तो हमेशा कूट कर ही इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ार से पाउडर नहीं लाया जाता है। जिन लोगों को वजन कम करना है उन्हें भी काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए। 4 से 5 काली मिर्च को कूट लें, गर्म पानी में उबाल लें और चाय की तरह सिप सिप करके पी लें। शरीर में जहाँ भी एक्स्ट्रा फैट होगा, जहाँ भी चर्बी जमी होगी, तेज़ी से कम होगी। बैली फैट को ये रिड्यूस करता है। बैली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो 3 से 4 काली मिर्च का सेवन आप रोज़ाना गुनगुने पानी के साथ करें और सुबह सुबह खाली पेट करें। ये तो छोटे छोटे दाने हैं, ये कई बीमारियों से बचाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा काली मिर्च दोस्तों कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को भी रोकने का काम करता है। सिर में दर्द हो, दांत दर्द हो, आंखों की बीमारी है, उसमें फायदेमंद है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। काली मिर्च को थोड़ा सा क्रश कर लें और इस तरह से पत्थर की लंगरी में डालकर कूट लें। ये देखिए, हमने इस तरह से कूट कर पाउडर तैयार कर लिया है। इसकी खुशबू बहुत तेज होती है, ये पोषक तत्व इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें ऑयल कंटेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो इसे हम शहद के साथ अगर मिलाकर खाते हैं, तो कफ, कोल्ड, फीवर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आप इस तरह से कूट कर शहद के साथ ले लें। जिन लोगों का गला बैठा है वो भी शहद में काली मिर्च चाटने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। शहद और काली मिर्च को जब हम एक साथ खाते हैं तो कोल्ड और कफ से बचाव होता है। काली मिर्च में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, मैग्नीज और पोटेशियम होता है। यह कफ और बलगम से राहत दिलाता है। काली मिर्च और शहद का सेवन जरूर करें। इसके अलावा जिनको खांसी, बलगम की समस्या बार बार होती है, वे लोग अगर पिपली और काली मिर्च को 2-2 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 चम्मच शहद के साथ लेते हैं तो पुराने से पुराना खांसी, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी हो, उससे राहत मिलती है। छोटी पिपली देखिए दोस्तों इस तरह का होता है। मैंने छोटी पिपली का पाउडर बना लिया है,
देखिए मैंने पाउडर बना लिया है, इसमें हम दो चुटकी की मात्रा में इसमें हम ऐड करेंगे। ये छोटी पिपली का पाउडर है, इसकी भी तासीर बहुत गर्म होती है और ये कफ नाशक होता है। तो इस तरह से डालकर अगर जिनको भी खांसी की समस्या है, खांसी ठीक नहीं होती, बलगम जमा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, वे लोग इस तरह से काली मिर्च और पिपली का शहद के साथ सेवन करते हैं तो कितना ही पुराना बलगम की समस्या हो, कफ की समस्या हो, वो ठीक हो जाती है, ये जड़ से ठीक कर देगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों सिर्फ काली मिर्च और शहद के सेवन से छोटे मोटे इन्फेक्शन तो हमसे दूर रहेंगे, इन्फेक्शन से ये बचाव करता है। साथ ही साथ काली मिर्च खाने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है। जिन्हें भूलने की बीमारी है उन्हें भी 3 से 4 काली मिर्च जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा जिनके दांतों में कीड़ा लग गया है, कई बार दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें पायरे की बीमारी रहती है ना, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो काली मिर्च के साथ लौंग को कूट लें, 2 लौंग ले लें, 2 से 3 काली मिर्च ले लें, इन्हें कूट लें, कूट कर जिस भी दांत में आपके कीड़े लग गए हैं, पायरे की समस्या हो गई है या फिर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर इसे दबा लें। इससे दोस्तों दर्द से तुरंत राहत मिलता है और दांत के कीड़े भी झड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ काली मिर्च का सेवन आप गर्म पानी के साथ यानी गुनगुने पानी के साथ जरूर करें। यहाँ पर मैंने 2 लौंग ली हैं और 4 काली मिर्च लिया है दोस्तों। इसे कूट लें, बहुत ही फायदेमंद है। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है ना तो दोस्तों हमारे शरीर में छोटी मोटी बीमारी होती है ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखें। तो यहाँ पर मैंने 2 लौंग, 4 काली मिर्च और 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसे हम कूट लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 तुलसी की पत्तियाँ भी मिला सकते हैं। देखिए मैंने इन्हें कूट लिया है। इसके अलावा तैयार कैसे करना है, आइए किचन में चलते हैं। अब गैस पर दोस्तों पैन चढ़ा लीजिए और इसमें 1.5 कप हम पानी डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है। उसके बाद जो हमने कूटा था काली मिर्च, लौंग और अदरक, इसे हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपको 2 तुलसी के पत्ते भी इसमें ऐड कर देने हैं। मैं तुलसी के पत्ते ऐड कर रहा हूँ और इस चाय को हमें तब तक उबालना है जब तक 1.5 कप पानी 1 कप ना रह जाए। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से उबल रहा है, इसे हम धीमी आंच में उबलने देंगे ताकि इन सभी चीज़ों के औषधीय गुण, इसका गुडनेस इस पानी में आ जाए। दोस्तों इस चाय को आपको सुबह गर्म गर्म पीना है, सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते हो उसी तरह से पीना है। इस तरह से पियेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से आपका बढ़ा हुआ वजन कम होगा, निकली हुई तोंद कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, हमारे हाजमे को दुरुस्त करेगी। और जब हमारा हाजमा अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, तो हम जो कुछ भी चीज़ें खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी में बदलती है, जिससे हमारा वजन तेज़ी से कम होता हुआ खुद महसूस आप करोगे। इसे मैंने कप में निकाल लिया है, ये हमारा पावरफुल हेल्थ ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। इसे आपको गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है दोस्तों। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, बदन दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव से भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही काली मिर्च को शहद के साथ सलाद में या फिर सूप में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस ठंड में खुद को और पूरे परिवार को हेल्दी बनाए रखें। दोस्तों ये तो हो गए काली मिर्च के फ़ायदे। मैं आपको काली मिर्च से कुछ परहेज बता देता हूँ, यानी कि काली मिर्च का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। काली मिर्च उन्हें नहीं खाना चाहिए जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन्हें है ना, जिन्हें खूनी बवासीर है। इसके अलावा गर्भावस्था के समय भी आपको इस चाय को नहीं पीना है। एसिडिटी की समस्या हो रही हो तो भी आपको इसे नहीं लेना है। इसके अलावा जिनको जख्म की समस्या है, पैरों में जख्म हो गया है, घाव हो गया है, बहुत पुराना घाव है, तो इस स्थिति में भी आपको इस काली मिर्च वाली चाय को नहीं पीना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो कल एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ज़्यादा से वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।